तो राधे राधे बच्चों, मैं हूं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। आज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने जा रही है, पार्ट थ्री। जिन बच्चों ने पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखे हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन दो वीडियो को देख ले। उसमें हमने बेटा पहला चैप्टर जो कि आपका केमिकल रिएक्शन था, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल, लाइफ प्रोसेस और कौन सा था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये पांच चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और हमारे पास बचे हैं बेटा सिर्फ लाइट, ह्यूमन आई और आवर एनवायरनमेंट। ठीक है बेटा, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है और इस वीडियो को बेटा प्रॉपर देखना, क्योंकि आपका जो लाइट चैप्टर है वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, यहाँ पर आपके बहुत ज्यादा वेटेज मिलने वाला है लाइट चैप्टर में। ठीक है, तो लाइट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो बेटा लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं अभी जल्दी। ठीक है, चलो लाइट में सबसे पहले बेटा लाइट की अगर बात करी जा रही है तो सबसे पहले आपके पास इंपॉर्टेंट चीज मिल जाती है लाइट में। कुछ बच्चों को पास कराने के लिए टीचर्स जो होते हैं, जो पेपर बना रहे हैं, वो एक चीज डाल देते हैं बेटा, क्या, रिफ्लेक्शन। और वो भी कौन सा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप लोगों से दो तरह के लॉ होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वो आपसे पूछ ले जाएंगे, थ्योरी है, प्रॉपर तरीके से आप रख लोगे तो नंबर पा जाओगे। क्लियर हो गए बेटा। उसके बाद आपको चीजें मिल रही है बेटा कि इमेजेस क्या होती हैं, रियल इमेज क्या होती है, ठीक है, और वर्चुअल इमेज क्या होती है, रियल वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं। नाउ उसके बाद आ जाते हैं हमारे बेटा इमेज डायग्राम या रे डायग्राम। ठीक है बेटा, रे डायग्राम। तो रे डायग्राम पढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, बात चल रही है यहां पर मिरर की। इसकी चल रही है बेटा मिरर की। जब दो तरह के हमारे पास मिरर होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। ठीक है बेटा, मिरर की बात कर रहे हैं अभी बेटा, मिरर। ठीक है, तो मिरर में यहां पर बेटा आपको जो है 6 और 2, 8 आपको क्या नाम है, रे डायग्राम मिल जाएंगे करने के लिए। ठीक है, तो 6 हमारे जो है बेटा कनकेव में होंगे और कन्वेक्स में कितने हो जाएंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो क्या है, पोजीशन पूछ ली जा सकती है कि व्हाट हैपेंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इतना, और इमेज या फिर वेयर इमेज इज फॉर्म, इमेज कहां पर बनेगी अगर ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है। तो इसकी प्रॉपर वीडियो मैंने जो है डिटेल्ड में बना रखी है, आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। उसकी मैंने ट्रिक भी बताई हुई है कि रे डायग्राम किस तरह से आप बना सकते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, कैसे इमेज पीछे बनेगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें से आपको पूछ लिया जा सकता है। अच्छा, जब आप रे डायग्राम बना रहे होंगे तो आपको बेटा यहां पर न्यूमेरिकल भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के साथ साथ आपको रे डायग्राम भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहां पर यू पॉजिटिव होगा, कहां पर वी नेगेटिव होगा, या कहां पर एफ पॉजिटिव होगा, क्या होता है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर बेटा रे डायग्राम में आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। उसके बाद आपके पास जो है बेटा हाँ, एक चीज और मैं बता देता हूं कि जो आपके पास लेंस है उसमें अगर टीचर खुश हुआ आप लोगों से तो आपसे पूछ लेगा व्हाट इज पोल, ठीक है, व्हाट इज अपर्चर, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, या व्हाट इज क्या नाम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी भी आपसे एक एक नंबर में पूछी जा सकती है। अच्छा, इन पर बेस्ड आपके एमसीक्यू भी मिल जाएंगे आपको, क्या मिल जाएंगे बेटा, एमसीक्यू। ठीक है कि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, या फिर आप लोगों ने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा एफ इज इक्वल टू आर अपॉन बाय 2। ठीक है, तो इस तरह से भी आपके पूछ लिया जाएगा कि विच वन इज करेक्ट, है ना। तो यहां पर आपको बहुत सारे एमसीक्यू भी मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करी जा रही है बेटा मिरर फॉर्मूला, जब आप करोगे तो मिरर फॉर्मूला से आपको न्यूमेरिकल मिल रहा है, न्यूमेरिकल के साथ साथ आपको मैग्निफिकेशन भी पूछवाया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो मैग्निफिकेशन भी आपको याद रखना है। और मेन चीज क्या है बेटा, जिसमें नेचर पूछा गया हो, साइज पूछा गया हो, वो चीज आप बताओगे तभी आपको प्रॉपर नंबर मिलेंगे, क्योंकि इनके भी आधे आधे एक एक नंबर होता है न्यूमेरिकल में। क्या करेंगे वो लोग बेटा, रे डायग्राम पूछेंगे, न्यूमेरिकल पूछेंगे, और आपसे बेटा नेचर और साइज के बारे में भी पूछ लिया जाएगा, तो ये भी आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। क्लियर हो रही है अगली बार बेटा। ठीक है, अब आ जाती है बेटा रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिफ्रैक्शन में आपको 2 या 3 चीजें मिलने जा रही है बेटा। सबसे पहले आपको पूछ लिया जाएगा रिफ्रैक्शन के अंदर ही, एक तो हो जाएगा बेटा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में सेकेंड लॉ ही हमारा क्या होता है बेटा, स्नेल्स लॉ होता है। ध्यान से समझना,
सारे बच्चे इसने उस लॉ में कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहला भी लिखे आते हैं दूसरा भी लिखे आते हैं, परंतु जो दूसरा हमारे पास लॉ होता है उसे ही हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। क्लियर हो गई यदि बात बेटा? नाउ बात करी जा रही है बेटा इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बेटा आपका एनसीईआरटी का जो है क्वेश्चन है डायमंड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, उसको नीटा से हम डिनोट कर रहे हैं। तो वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो सी सी जो होता है वो होती है बेटा हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट और इन वैक्यूम। क्लियर हो गई यानी बात? और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम आपके पास कुछ भी दे दिया जाएगा और आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलवा दिया जाएगा, परंतु बहुत गहराई वाली बात समझना, जो आपके पास c अपॉन में v आया है, c की भी ऐसा यूनिट क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, मीटर पर सेकंड, यस और नो? इसकी भी मीटर पर सेकंड होगी, तो ये अपॉन में है, दोनों कट जाती है, इसी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हमारा यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। एक नंबर में एमसीक्यू बन रहा है आपका, क्या बेटा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तीन ऑप्शन गलत दे रखे होंगे, चौथा होगा नन ऑफ, मतलब नन ऑफ दिस या होती ही नहीं है। ठीक है, नो डायमेंशन है, नो यूनिट, तो वहां पर आपको क्या लिखना है बेटा, नो यूनिट, क्योंकि इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, मैंने आपको बता दिया, मीटर पर सेकंड दोनों की सेम है, दोनों कट जाएंगी तो खत्म कहानी। ठीक है, तो यहां पर कोई भी यूनिट नहीं होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। क्लियर हो गई यही बात बेटा? नाउ इसके बाद बेटा लेंस आ रहे हैं आपके, तो लेंस में अगर बात करी जा रही है, सबसे पहले तो लेंस फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, लेंस में आपके पास दो लेंस फिर से मिल रहे हैं, कन्वेक्स लेंस जिसमें कि आपको छह रे डायग्राम मिलेंगे और कॉनकेव जहां पर आपको बेटा दो रे डायग्राम मिलेंगे। तो बहुत अच्छे से आपको रे डायग्राम कटवाए हुए हैं क्लास में भी, और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको मैंने वीडियो बना के रखी हुई है इनकी, आप वहां से देख सकते हो अच्छे से, इनकी भी मैंने ट्रिक्स बताई हुई है। अच्छा, फॉर्मूला बेस्ड आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, यहां पर फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल मिल जाएंगे बेटा, न्यूमेरिकल। क्लियर हो गया? तो यहां पर आपको फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल भी बहुत सारे मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर न्यूमेरिकल पर ज्यादा फोकस करना। अच्छा, एक चीज और, एनसीईआरटी ध्यान से सुनना बेटा, एनसीईआरटी के जो लास्ट 7 से 8 क्वेश्चन है, 7 से 8 के आसपास जो है क्वेश्चन है, तो वहां पर आप उनको देख लो, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। एक बार मैं एनसीईआरटी में भी दिखा देता हूं आप लोगों को कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। जब आप जाओगे बेटा लास्ट में, बिल्कुल ये वाले क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 आपके बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन एक एक बार जरूर ट्राई कर लेना। यहां पर आपके पास मिरर के भी क्वेश्चन दे रखे हैं और लेंस के भी क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा। ठीक है, और एक चीज और कहूंगा मैं आप लोगों से कि जब आप लेंस कर रहे होंगे तो जो लेंस है या मिरर है उसमें एग्जाम्पल भी है बीच बीच में, तो एग्जाम्पल भी करके जाना। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात आ रही है बेटा आपकी लास्ट पावर ऑफ लेंस, तो आपसे कई कई बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफाइन पावर ऑफ लेंस। ठीक है, या फिर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है बेटा आपका, क्वेश्चन आपका एक एनसीईआरटी का ही है कि डिफाइन वन डायोप्टर, डिफाइन वन डायोप्टर पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, डायोप्टर किसकी ऐसा यूनिट होती है यही पूछ लिया जाएगा, और क्या नाम है जो है पावर पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो है ये पूछ लिया जाएगा कि भाई दो लेंसेज हैं हमारे पास, इसकी जो है फोकल लेंथ इतनी दे रखी है, इसकी फोकल लेंथ इतनी दे रखी है, तो किसकी पावर ज्यादा होगी, तो ऐसे क्वेश्चन भी करके जाना। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोला मैंने कि सपोज वी हैव टू लेंसेज, ठीक है फोकल लेंथ इतनी, है फोकल लेंथ इतनी, तो विच हैव हाई ग्रेटर पावर। ठीक है, तो किसके पास ग्रेटर पावर होगी, किसके पास ज्यादा पावर होगी, ऐसे न्यूमेरिकल भी कर लेना। क्लियर हो रही है बात बेटा अच्छे से? तो जनरली मोटा मोटा जो है आपका इन्हीं से ही पूछा जाता है, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है कि न्यूमेरिकल पोर्शन आपसे कुछ अलग से पूछ लिया जाए कि भाई हम
कुछ फोकल लेंथ है उसकी अगर फोकल लेंथ हम डबल कर देते हैं तो इमेज कैसी होगी, या इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो वो अलग से क्वेश्चन मैं कहोगे आप लोग तो मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा सिर्फ न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल की। ठीक है, लेंस से रिलेटेड और मिरर से भी रिलेटेड। क्लियर हो गई बात? ये चीज बेटा लाइट हमारा यही खत्म होता है। अगर आपको लाइट से रिलेटेड कोई दिक्कत है, मुझे पता है बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही होगी वो ज्यादा न्यूमेरिकल में ही आ रही होगी, तो एक चीज और मैं आप लोगों को सलाह दूंगा, जो बच्चे लाइट से बचना चाहते हैं, लाइट से बचना चाहते हैं, वैसे तो नहीं बच पाओगे, लाइट से अगर बचना चाहते हैं तो आप बेटा रे डायग्राम कर लो अच्छे से। ठीक है, रे डायग्राम कर लो, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स या रिफ्रेक्शन पढ़ लो अच्छे से। उसके बाद अगर न्यूमेरिकल नहीं हो रहे आप लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, आप एक दो चीज स्किप करके जा सकते हो एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ही पूरा करना है, वो तो फिर अलग बात हो जाएगी, है ना। लेकिन कम टाइम में हमारे पास परसों पेपर है हमारा, ठीक है, आज 27 तारीख है, जो दिल्ली में सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनका जो है 29 तारीख को पेपर है। ठीक है, तो अगर आपसे नहीं बन पा रहा कि आप नहीं कर पा रहे न्यूमेरिकल, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट चैप्टर से आप न्यूमेरिकल छोड़ दो, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो आप रिवाइज कर लो अच्छे से। अगर आप न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगा न्यूमेरिकल की, क्योंकि हमारे पास कल भी टाइम है। अगर कमेंट आते हैं अच्छे खासे तो कल हम आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो लाइट चैप्टर में बस यही चीजें हैं। देखो यहाँ पर आपको थ्योरी मिल जाएगी, रे डायग्राम में, रिफरेंस लॉज में आपको क्या नाम है थ्योरी मिल जाएगी। क्लियर हो गई? और मैग्निफिकेशन में थोड़ा सा ये है कि पूछ लिया जा सकता है कि भाई मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करवाएगा, ये भी न्यूमेरिकल पोर्शन में आ जाएगा। ठीक है, लेंस की अगर बात करी जा रही है तो 6 और 2 8 इसमें हो गए और 6 और 2 8 इसमें हो गए। ठीक है, तो ये इनकी ट्रिक्स बताई हुई है, बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पे बेटा एक क्वेश्चन है आपका, एक चीज और दिखा दे रहा हूं मैं, नई वाली बुक में बेटा, नई वाली बुक में 150 पेज नंबर पर आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है वीडियो में, दिख रहा है सेकंड क्वेश्चन कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर यहाँ पे एक मीडियम है, ग्लास दूसरा मीडियम है, हैविंग द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इतना, तो आपके पास डेल रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखा है, व्हाट इज द स्पीड इन ऑफ लाइट इन ग्लास, और वैक्यूम में आपको गिवन दे रखी है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे एक आध नंबर पर पूछ लिए जा सकते हैं। क्लियर हो रही है यानी बात, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड। क्लियर हो गई यानी बात? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, इस चीज को यहीं खत्म करते हैं। अब बात करते हैं बेटा ह्यूमन आई की। ह्यूमन आई जो है अच्छा खासा टॉपिक है और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपको जो है मिल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो टॉपिक मिल रहा है बेटा ह्यूमन आई में आपको, वो खुद एक ह्यूमन, ठीक है, एक्सप्लेन कर। तो ह्यूमन वाले चैप्टर में जो है आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। सबसे पहले तो ये है, यही पूछ लिया जाएगा आपसे कि भाई ह्यूमन आई क्या होता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई आयरिस क्या होती है, या उसका पूरा एक्सप्लेनेशन पूछा जा सकता है आपसे कि भाई ह्यूमन आई एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, और यहाँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म मिल जाएंगी, जैसे अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई जो है रेटिना क्या होता है, आपसे पूछ लिया जाए बेटा कि कॉर्निया क्या होता है, आयरिस क्या होता है, और जो है आपका पपिल क्या होता है, और लेंस, लेंस के बारे में भी पूछ सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है बेटा वो है सिलेरी मसल। तो सिलेरी मसल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यू भी आपको मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सिलेरी मसल। ठीक है, अच्छा सिलेरी मसल के साथ साथ आपको जो है आयरिस और पपिल में भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इन पर क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो अगर बात करी जा रही है बेटा अगले टॉपिक की, जो है टाइप ऑफ डिफेक्ट। ठीक है, तो डिफेक्ट हमारे पास 3 पाए जाते हैं, एक है मायोपिया, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, और तीसरा होता है प्रेसबायोपिया। ठीक है बेटा, तो इन पर आपसे जो है डेफिनेशन पूछ ली चली जाएंगी, और करेक्शन भी पूछे जा सकते हैं कि भाई इनके करेक्शन क्या होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन पूछ ली जाएंगी। अच्छा, रे डायग्राम की भी बात करी जाए तो आपसे करेक्शन के रे डायग्राम भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो है इसी चैप्टर से प्रिज्म। ठीक है, तो बेटा प्रिज्म पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में भी, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं कि भाई जो है सबसे ज़्यादा कौन सा एंगल, अगर लेट सपोज हमारे पास कोई प्रिज्म है, अगर उससे वाइट लाइट जा रही है तो वो 7 कलर में डिस्पर्जन हो रहा है। ठीक है, एज वी नो दैट। लेकिन इसमें आपके ये भी हैं कि भाई वेवगॉर्ड जो फॉर्म हुआ है उसमें कौन सा ज़्यादा लीस्ट डेविएट होगा और कौन सा ज़्यादा मोस्ट डेविएट होगा, तो ये भी पूछ लिया जा सकता है। और
आप लोगों को मैंने जो है जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो आपके पास जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस मिल जाएंगी। तो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था जो कि क्या था बेटा कि एंगल ऑफ जो डेविएशन होता है वो क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा, वन अपॉन में वेवलेंथ के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डेविएशन ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी, अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एंगल ऑफ डेविएशन कम हो रहा होगा। ठीक है बेटा, तो अब जो है हम न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि है हमारा TIR। तो आप जो है TIR क्या होता है, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप इसको जो है 12th क्लास में और डिटेल में भी पढ़ोगे, ठीक है, परंतु अभी हमें जो है यहाँ पर चीज़ें देखनी है। जनरली आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं उनमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भाई ऑप्टिकल फाइबर में हम कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं, तो वो है आपका ऑप्शन बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इस पर बेस्ड MCQ बन सकता है। बाकी यहाँ पर जो है कुछ कंडीशंस भी होती हैं और यहाँ पर एक क्रिटिकल एंगल जिसको हम क्या नाम है IC से भी डिनोट करते हैं, तो वो भी आपका यहाँ पर आ जाता है, परंतु इतनी सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी TIR में। जनरली आपसे बस ये याद रखना कि ये जो है ऑप्टिकल फाइबर में यूज़ किया जाता है। ठीक है, कभी नहीं पूछा गया आपसे कि भाई क्रिटिकल एंगल क्या है। अगर जो है पूछ लिया जाता है कि क्रिटिकल एंगल क्या है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो उस पर बेस्ड मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा ताकि वो परसों आपके एग्जाम में काम आ सके। ठीक है बेटा, तो बेटा अब शुरू करने जा रहे हैं हम लोग लास्ट चैप्टर इस वीडियो का, आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म का लास्ट चैप्टर है। तो यहाँ पर जो आपको इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी मिलने वाली है बेटा, वो मिलने वाली है कि भाई एबायोटिक और बायोटिक क्या होते हैं। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो इसमें आपको जो है बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या होते हैं, और टर्चरी क्या होते हैं। कंज्यूमर के आपसे पार्ट भी पूछ लिए जाएंगे कि भाई कंज्यूमर के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक कि भाई फूड चेन क्या होती है, है ना, तो फूड चेन पे भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। दूसरी चीज़ क्या है बेटा, फूड वेब क्या होती है, है ना, तो फूड चेन पे भाई आपको क्या है ट्रॉपिक लेवल मिल जाएंगे कि भाई प्रोड्यूसर, सेकेंडरी, टर्चरी। ठीक है, इस पर बेस्ड आपको क्या नाम है कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्लस यहाँ पर 10% रूल भी पूछा जाता है, और 10% को अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले आप ये समझो कि जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या हैं बेटा, सनलाइट से 1% एनर्जी यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, फिर वो क्या होगी, वो ट्रांसफ़र करी जाएगी बेटा ग्रीन प्लांट्स में, और ग्रीन प्लांट्स को कौन खाते हैं, जैसे डियर हो गया, तो डियर में और बाकी के जितने भी ट्रॉपिक लेवल बचे हैं उनमें 10% क्या है एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है। बाकी 90% जो बची है एनर्जी वो बेटा ट्रांसफ़र होगी आपकी किस में बेटा, जितने भी आपके लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उनमें क्या है वो लॉस हो जाती है। ठीक है, तो ओनली 10% एनर्जी ही है जो ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, हर एक ट्रॉपिक लेवल में। तो बेटा इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, हमारा पूरा जो है सिलेबस ख़त्म हो चुका है। यदि आप लोगों को ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको क्या नाम है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमने जो है बेटा फर्स्ट टर्म का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ तक अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कर दें राधे राधे।